हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन डायमंड क्रिस्ट केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो अपना चैप्टर नंबर जो सेकंड है मृदा जीवांश पदार्थ, उसी का एक टॉपिक अपने पास में है जिसका नाम है ह्यूमस। क्या नाम है? ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है इसकी बातें करेंगे। ह्यूमस जो होता है वो क्या होता है, इसकी परिभाषा की अगर बात करें, मिट्टी के अंदर जो जितने भी जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जीवांश पदार्थ। मिट्टी में पाए जाने वाले जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जीवांश पदार्थों के विघटन से बनने वाले काले या भूरे रंग के ओलाइडी पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपन देखा ह्यूमस क्या होते हैं, जीवांश पदार्थ के विघटन से बनने वाले काले भूरे रंग के ओलाइड पदार्थ होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। और नॉर्मली अगर आप बात करें कि जो ह्यूमस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से मुख्य रूप से पदार्थ पाए जाते हैं, किस कारण से कलर आता है, उसमें सबसे बड़ा अपने पास में फोल्विक अम्ल कौन सा होता है? फोल्विक जो अम्ल होता है स्टूडेंट्स, ये जल में विलय होता है। जल में क्या होता है? ये विलय होते हैं। और उसका जो कलर होता है भूरा पीला कलर होता है। कैसा होता है? भूरा पीला कलर का फोल्विक अम्ल होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो अंश होता है, इसका पार्ट होता है, वो ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक जो अम्ल होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का, यानी क्षार में विलयशील होता है, क्षार के अंदर आसानी से विलय हो जाता है। और इसका जो रंग होता है स्टूडेंट्स वो लगभग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरे कलर का होता है। और एक तीसरा आपके पास में ह्यूमिन होता है। ह्यूमिन ये क्या होता है? ये जल में अविलय पदार्थ होता है मोस्टली, और ये भी हल्का भूरा कलर का पाया जाता है। तो ये जो अंश होते हैं इन्हीं के कारण से क्या होते हैं, ह्यूमस जो होता है अपने पास में जीवांश पदार्थों के विघटन से बनने वाला ये काले या भूरे रंग का दिखाई देता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये तीन रासायनिक जो पदार्थ होते हैं इन्हीं के कारण इसका रंग यहाँ पर आता है। अब बात करें जो अपने पास में ह्यूमस होता है इसके क्या गुण होते हैं, इसके जो गुण हैं स्टूडेंट्स उनको दो भागों में बांटा गया है। ह्यूमस के दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है ह्यूमस के अंदर? ह्यूमस जो होता है, ये ह्यूमस होता है इसमें भौतिक गुण है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी भौतिक गुण होते हैं, उनकी बातें करेंगे, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। और दूसरे अपने पास में इसके रासायनिक गुण कौन से होते हैं? रासायनिक गुण, उनकी बातें अपने यहाँ पर करेंगे रासायनिक गुणों की। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, बात करेंगे भौतिक जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण क्या होते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले भौतिक गुण जो होते हैं, पहला इसका गुण क्या होता है भौतिक रूप से, ये काले भूरे पदार्थ होते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? इनका रंग कैसा होता है? तो कैसे होते हैं भौतिक गुणों में अगर बात करें तो कैसे होते हैं? काले भूरे रंग के होते हैं, काले भूरे रंग के पदार्थ होते हैं। दूसरा जो इनका भौतिक गुण है वो कौन सा होता है? ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये दूसरा इसका गुण पाया जाता है। तीसरा गुण की अगर बात करें तो इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? इन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इन पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है वो यहाँ पर इसके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर जो होता है क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी में बात करें तो इनमें जल धारण क्षमता वो भी इनके अंदर पाई जाती है। अब जल धारण अगर क्षमता इनके अंदर पाई जा रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें फूटने की या सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं मोस्टली फूलने का गुण पाया जाना या इसके अंदर पाया जाना ये मोस्टली किसके अंदर होता है, ये ह्यूमस की भौतिक गुणों के अंदर आता है। तो मोस्टली भौतिक जो गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं ये अपन यहाँ पर देखा है। जल धारण क्षमता पाई जाती है, काले भूरे रंग के पदार्थ ये होते हैं। दूसरा ये अम्लीय प्रवृत्ति के पदार्थ होते हैं, ऋणात्मक आवेश इनके अंदर ऊपर पाया जाता है।
फूलने और सिकुड़ने की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। तो ये मोस्टली इनके भौतिक गुणों के अंदर आता है, किसमें? ह्यूमस पदार्थ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। और मुख्य रूप जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, किस प्रकार से इसको डिसाइड करती हैं, कार्बन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, कौन से पदार्थ कितने रासायनिक संगठन क्या होता है, उसकी बातें अपन किसमें करेंगे? रासायनिक गुण धर्म में करेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए अपन ने आज ह्यूमस क्या होता है उसकी परिभाषा को यहाँ से क्लियर किया है और उससे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो भौतिक और रासायनिक गुण धर्म होते हैं, भौतिक गुण धर्म कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं वो थोड़ा सा अपने यहाँ पर किया है। अब बात करेंगे इसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रासायनिक गुण धर्म, वो नेक्स्ट वाली क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।